प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश टीवी मुक्त हो और इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से शहर शहर गांव गांव जाकर टीवी के मरीजों का सर्वे करते हुए जांच की जा रही है एवं उनको भली प्रकार उपचार भी दिया जा रहा है जिससे कि टीवी जैसी बीमारी से देश मुक्त हो। इसी के चलते मथुरा जनपद में भी जिला क्षय रोग अधिकारी के नेतृत्व में अभियान समय समय पर चलाया जाता है, तो इसी क्रम में जनवरी माह से लेकर 30 जून तक सर्वे किया गया जिसमें मथुरा जनपद से 3000 टीवी के मरीज मिले हैं और उनका उपचार सीएससी सेंटर एवं जिला अस्पताल के माध्यम से चल रहा है। तो वही 4000 मरीज ऐसे भी हैं जो कि अन्य जनपदों के हैं और वे मथुरा के जिला क्षय रोग विभाग से अपना उपचार करा रहे हैं। कुल मिलाकर जिला क्षय रोग विभाग में 7000 टीवी के मरीज नोटिफाइड है जिनमें से लगभग 250 मरीज रेड जोन में आ रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने बताया है कि जिला क्षय रोग विभाग में जो मरीज नोटिफाइड है सभी का उपचार भली प्रकार किया जा रहा है और समय समय पर निशुल्क जांच की जा रही है और ऐसे मरीजों से अपील की है कि जिन लोगों को 2 हफ्ते से अधिक खांसी हो या रात में सोते समय अधिक पसीना आता हो एवं दिन प्रतिदिन व्यक्ति का वजन घट रहा हो तो ऐसे में तुरंत नजदीकी चिकित्सालय जाकर जांच कराएं। जी डॉक्टर साहब बताओ, इस समय जिला क्षय रोग विभाग में क्या स्थिति चल रही है रोगियों? हमारे यहाँ 1 जनवरी से अब मतलब 30 जून तक का जो डाटा है वो 7075 केस नोटिफाइड हुए हैं। इसमें से कुछ पेशेंट जो है बहुत सारे अन्य जनपदों के भी होते हैं और बहुत से हमारे यहाँ अन्य जनपदों से आते हैं। तो जो एक्टिव केस हैं जो मथुरा में इस समय रह रहे हैं इलाज पर, वो 3222 की संख्या है। तो मथुरा जिला अस्पताल के समय पर जो 3222 मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें? जी, 3222 का उपचार चल रहा है। इनमें से जो है रेड जोन में कितने होंगे लगभग? रेड जोन से मतलब अति सीरियस हालत जो है MDR मरीजों की ही मानी जाती है और MDR मरीज मेरे ख्याल में अभी तक करीबन 200-250 के आसपास होंगे इस समय तक अभी तक जो डायग्नोज हुए हैं। डॉक्टर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे जो स्टार्टिंग होती है अगर? इसके मुख्य लक्षण ये 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार है, छाती में दर्द रहता है या कभी बलगम में खून आता है या रात के समय सोते समय पसीना आता है या लगातार वजन का कम होना, ये 5-6 लक्षण इसके मुख्य हैं। ऐसे हर व्यक्ति को अपने बलगम की जांच निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में करानी चाहिए जो कि पूर्णतया निःशुल्क है और अगर बीमारी निकलती है तो पूर्णतया निःशुल्क ही इसका इलाज हर स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, किस तरीके से? देखिए जो रोगी है वो थोड़ा सा बचाव करके रखे, मास्क लगा करके रखे अपने घर में जिससे कि उसके जो घर के परिवार के और सदस्य हैं वो इन्फेक्ट ना हो। और अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण होते हैं जो मैंने अभी बताए, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी बुखार बलगम में खून आना, तो वो तुरंत अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जा करके जाँच कराए ताकि बीमारी का शुरुआत में ही पता चल सके। तो बहुत भयभीत रहते हैं कि वहाँ पर जो उपचार के लिए पैसा लिया जाता है या कुछ होता है, तो नहीं जी निःशुल्क है? जी बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क इसका इलाज है, पूर्णतया निःशुल्क इसकी जांचें हैं और इसका जो है इलाज के दौरान रोगी को हर माह प्रति माह 500 रुपये पोषण भत्ता के रूप में भी दिया जाता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो